पक्की खबर है। मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। मैं चलो जरा पता करती हूँ कि ये सारे हैं कहाँ। भाई तुम तो विद्या से पूछ लो, यही बात है। हाँ। नासिर ने तो मुझे नहीं बताया ऐसा कुछ भी। इसीलिए ना कंजूस और खुशी में मिठाई खिलानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मिठाई पे नहीं हम टलेंगे, हम तो बड़ी सी ट्रीट लेंगे। आफ्टर ऑल मंगनी हुई है उसकी। लो मोबाइल भी ऑफ है उसका, फोन बंद है, लेक्चर रूम में होंगी ये सब। Hey girls, assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद नासिर कहाँ है? I don't know. लेकिन अब वो बच कर जाएगा कहाँ? उसे हम सबको जबरदस्त ट्रीट देना होगा। बिल्कुल, exactly. हमने कौन से खबर नोटिस बोर्ड पर लगा देनी थी? अच्छा वो कहाँ है? वो पेटू, सॉरी टीपू कहाँ है? यार टीपू नासिर को ही ढूंढने गया, जब से उसकी मंगनी हुई है पूरे ग्रुप से कतरा रहा है। मिल गया हमको साथी, मिल गया उनको साथी, मिल गया। कौन? नासिर कहाँ है यार, वो कहाँ छुपा हुआ है? I see. आप सब लोगों को नासिर की तलाश है। हाँ, so girls and guys, follow me. Okay, right. चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया, चुन लिया। चुन लिया तुमने उसे, सारा जहां रहने दिया। रहने दो, एक तो तुमने मंगनी कर ली और फिर हमें बताया भी नहीं, अब तुम क्या समझते हम तुम्हें माफ कर देंगे? कोई चांस नहीं है यार, मेरी प्लीज, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद जो तुम सजा दोगे मुझे कबूल हो। इरशाद, इरशाद फरमाइए। यार किस्सा कुछ यूं है कि मैंने और गजल ने कोई 5-6 महीने पहले इकट्ठे जिंदगी गुजारने का फैसला किया। अच्छा जी। फिर हमने अपनी अपनी फैमिलीज में रायामा को अपने हक में करने के लिए बात शुरू की और हमने बहुत सारे लोगों को कायल भी कर, लेकिन उसके अब्बू जो मुल्क से बाहर रहते थे उन्होंने कहा मैं पहले लड़के से मिलूंगा, लड़के की फैमिली से मिलूंगा और उसके बाद कोई फैसला करूंगा। तो भैया ये गजल मुसलसल जरा जल्दी सुनाइएगा। भाई फिर क्या हुआ किस्सा गो? बस परसों अचानक अंकल पाकिस्तान आए, मुझसे मिले, मेरी फैमिली से मिले और पट ब्याह तो नहीं हुआ, चट मंगनी हो गई। Wow. और अब हम सब की मुश्तरका राय ये है कि इस खुशी में तुम हमें जबरदस्त सी ट्रीट दे रहे हो। लेकिन प्लीज हमें मिठाई के ऊपर नहीं चलना, हम बड़ी सी ट्रीट लेंगे। ये चीज वरना हम आपको मंगनी शुदा कबूल करने से इनकारी हैं। ये भाई मेरा तो दिल है कि जबरदस्त सा पिज्जा हो जाए। ओए होए होए, बढ़िया पिज्जा खाने वाली। सॉरी महावेश, पिज्जा से हम टलने वाले नहीं। नहीं मुझे तो कोई एतराज नहीं, अगर तुम लोगों का मूड पिज्जा खाने को कर रहा है तो चलो पिज्जा खाने चलते। वाह क्या बात है तुम्हारी। नहीं नहीं पता है मेरा नहीं है मूड पिज्जा खाने का। तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है खाने को? तुम क्या खाना चाहती हो? मेरा तो ख्याल है कुछ देसी हो जाए। हाँ देसी में क्या, चिकन टिक्का, चिकन मसाला, चिकन बिरयानी, मटन टिक्का, मटन मसाला, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, सीख कबाब, गोला कबाब या फिर चिकन कढ़ाई लेना पसंद करेंगी आप? चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। मेरा ख्याल है चट मंगनी के ऊपर कोई चटपटी सी मिर्चीली सी चीज होनी चाहिए। यस आप ऐसा कीजिएगा, स्पाइसी सा पिज्जा ऑर्डर करें और उसके ऊपर चिली सॉस डालें, बल्कि थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल लीजिएगा और वो नोश फरमाएं। नहीं ना ये झूठी मोटी सी चटखारदार सी चीज नहीं भाई, कुछ असल में होना चाहिए, लाल मिर्च और काली मिर्च में भुना हुआ करारा करारा चिकन, पता है तंदूर की रोटी के साथ खाएं। वाह वाह वैसे आइडिया बुरा नहीं है। नहीं नहीं पिज्जा ही चलेगा।
भाई उससे तो पूछ लो जो हमें लेकर जा रहा है कि उसका क्या ख्याल है। क्यों भाई, चिकन हांडी या पिज्जा पार्लर? यार मैं मेजबान हूँ और मेहमान तुम लोग हो, इसलिए तुम लोग जहाँ कहोगे वहीं चलेंगे। नहीं फिर भी तुम्हारा कुछ तो मूड होगा ना, जैसे आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पिज्जा खाऊं और इन मैडम का मूड हो रहा है ये चिकन कढ़ाई खाएं। यार मेरा ख्याल है चिकन कढ़ाई हो जाए। मैंने तुमसे नहीं नासिर से पूछा है। स्तानी जी, धोस से नहीं दलील, दलील से कायल करें हमें। देखो यासिर, चिकन के मसालेदार सालन तो हम घर में भी खाते रहते हैं, अगर घर से बाहर खाना ही है तो क्यों ना ऐसी चीज खाई जाए जो घर में ना बनती हो या कम कम बनती हो, इसीलिए पिज्जा ही बेहतरीन इंतखाब होगा। जी नहीं स्तानी जी, चिकन कढ़ाई। जी नहीं पिज्जा। चिकन कढ़ाई पिज्जा। चिकन कढ़ाई पिज्जा। यार सजा तुम्हारा क्या मूड है, चिकन कढ़ाई या चिकन हांडी, कुछ देसी स्पाइसी सा। भाई नासर तुम भी तो कुछ बोलो ना, तुम्हारा क्या जी चाह रहा है? भाई दिल तो मेरा पिज्जा खाने को। वाओ वंडरफुल, भाई नासर का दिल भी ना पिज्जा पिज्जा खाने का है, तो चलो पिज्जा पार्लर चलें। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि जो लोग चिकन हांडी खाना चाह रहे हैं उनको भी मजबूरन पिज्जा खाना पड़े। यार वेट, ऐसा करते हैं वोटिंग करवा लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कौन कौन चिकन कढ़ाई खाएगा। 1, 2, 3 और पिज्जा 1, 2, 3 हाँ? यार ये तो मुकाबला बराबर का ही जा रहा है। दोनों तरफ 3-3 वोट। मेरे भाई तुम्हारा वोट फैसला कौन साबित होगा, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम्हारी राय किस कदर कीमती है। क्यों वाकई? तुम खुद भी इतने कीमती नहीं जितनी कीमती इस वक्त तुम्हारी राय है मेरे दोस्त। वाकई? हाँ ना पेटू, सॉरी टीपू, प्लीज सोच समझ के फैसला करना। यार सोचने वाली कौन सी बात है, चीजें तो दोनों ही खाई जा सकती हैं, लेकिन अब अगर से किसी एक चीज का इंतखाब करना है तो आपने देखा किस कदर दिलचस्प सूरत हाल है। 3 वोट है चिकन कढ़ाई के लिए, 3 वोट है पिज्जा के लिए, और टीपू मियां का डिसाइडिंग वोट होगा। आपको इनके फैसले का, इनके वोट का इंतजार है कि ये किसके हक में अपना फैसला सुनाते हैं, अपना वोट देते हैं। मुझे भी है और मेरा ख्याल है टीपू के तमाम साथियों को भी है, लेकिन एक बात आप जरूर जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हर एक को अपनी राय के इजहार का पूरा पूरा हक है, और ये हक अब इस्तेमाल करेंगे टीपू मियां। आइए देखते हैं कि इनका फैसला चिकन कढ़ाई की तरफ है या पिज्जा की तरफ। यार पहले भूख का प्रेशर कम था जो तुम लोगों ने मुझ पर मजीद दबाव डालना शुरू कर दिया। पेटू, पेट से नहीं दिमाग से। हाँ हमारी तरफ से तुम्हें मुकम्मल आजादी है, लेकिन हमें अपनी राय से जरूर नवाजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। भाई सबसे पहले तो आप सबको मैं बहुत ज्यादा शाबाश देना चाहूंगा, एंड आई एम सो वेरी प्राउड। मुझे इतना फख्र है आप सब पे जो पाकिस्तान की यूथ हैं, कि आपने इतने खूबसूरत तरीके से, इतने अहसन तरीके से इस सारे मसले को सुलझाया, ये वोटिंग का पूरा अमल किया कि यकीन जानिए दिल खुश हो गया। तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शाबाश। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो सब भी थोड़े से इंटरेस्टेड होंगे कि ये कुछ देर पहले हमने खेल देखा है चिकन कढ़ाई और पिज्जा का, जिसका फैसला हुआ है चिकन कढ़ाई। तो जरा उन दोस्तों से पूछा जाए कि जिनके हक में फैसला नहीं हुआ कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। नासिर, ताबिंदा और महविश, कैसा लग रहा है आपको कि आपके हक में फैसला नहीं हुआ? Well, इसके लिए बाकायदा वोटिंग की गई थी और ये कोई हम पे मुसल्लत तो नहीं किया गया, तो आई थिंक इट्स प्रीटी फेयर। Well, I think अगर आज मैं पिज्जा नहीं खा सकी तो कोई बात नहीं, जब हम इकट्ठे होंगे तो हो सकता है अक्सरियत का मूड पिज्जा खाने का हो। तौसीक भाई मेरी खुशी तो और बढ़ गई है कि हम सब ने मिलकर इस मसले को हल किया। बिल्कुल। अच्छा भाई ये तो जरा वो कहते हैं ना कि मजबूर पार्टी के साथ सुरहत थे,
तो अब ये वाली पार्टी जो है, जिसको अगर हम मुझे वो उर्दू का सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा, हाँ, फतेहमंदी के एहसास से भरपूर पार्टी। आपको वाकई फतेहमंदी का एहसास हो रहा है? नहीं, नॉट रियली। या तो ये होता कि मैं बहुत जिद करके सारों को चिकन कढ़ाई के ऊपर राजी कर रही होती कि जरूर चिकन कढ़ाई आप लोग खाएं, तो ऐसा तो नहीं हुआ। सबने वोट किया है, इसलिए मुझे कोई गिल्टी फीलिंग नहीं है। खुशी इस बात की है कि हम सारे मिल के बैठ के एक ही चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप लोग फील कर रहे हैं कि ये आप पे अथॉरिटी बन के आए? नहीं तौसिक भाई, नहीं। ना ही तो कोई मेजॉरिटी है और ना ही कोई माइनॉरिटी। इस वक्त हम सब अक्सरियत और अकलियत के धड़ों से बाहर निकलकर एक ही काम कर रहे हैं, और वो है राय के हक का इस्तेमाल करके एक दूसरे के वोट की रिस्पेक्ट। भाई बिल्कुल सही टीपू, बिल्कुल सही आपने कहा। और वोट एक लिहाज से आप देखें तो आपको इनफरादी तौर पर आजादी का एक एहसास दे रहा होता है, यानी आपको इंडिविजुअल फ्रीडम दे रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको सामाजिक तौर पर जिम्मेदार भी ठहरा रहा होता है, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रही होती है। जी बिल्कुल, हमें अपनी अहमियत का पूरा एहसास है कि हम भी कुछ सॉलिड और कॉन्क्रीट कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी राय फैसला बदल सकती है और फैसला किस्मत बदल सकता है। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत पंच लाइन यासिर ने दी है कि राय फैसला बदल सकती है, फैसला किस्मत बदल सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि कभी आपको ये इख्तियार दिया जाएगा एज पाकिस्तानी यूथ कि आप अपनी राय का इजहार करें, तो आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे? बल्कि हम पूरी जिम्मेदारी से अपना फर्ज पूरा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एक राय लाखों करोड़ों बल्कि पूरे मुल्क की किस्मत का फैसला करेगी। बिल्कुल, एक शख्स की राय करोड़ों की किस्मत का फैसला कर सकती है। बाय द वे, कोई चीज आपके जहन में क्लिक की इस बात से? इलेक्शंस, बिल्कुल सही। एक सवाल है मेरे पास, क्या आप सबने अपने नाम वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर करवाए हैं? हाँ ना, बिल्कुल। आपने भी कराया है? Yes, I'm really excited about it. ये मेरा पहली बार है कि मैं वोट दूंगी और मुझे इलेक्शंस का बहुत इंतजार है। हाँ, पहली बार वोट डाल रही हैं ताबिंदा। ये तो इतनी एक्साइटेड है कि मुझे लगता है इन्होंने एक हफ्ते अपना हाथ ही नहीं धोना, वो इंक ना उतर जाए यहाँ से। अच्छा भाई, आप लोगों से मिलके मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे ये क्या कहते हैं इनकरेजमेंट हो रही है, मेरा एतमाद बढ़ रहा है कि पाकिस्तानी यूथ जो है वो वोट की अहमियत और इलेक्शन के प्रोसेस की अहमियत से बखूबी वाकिफ। यस, वी आर ऑल, हम फिक्री और सियासी तौर पे बाशऊर भी हैं और हमें अपनी वोट की अहमियत का अंदाजा भी है। बल्कि तौसीक भाई, मैंने तो अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट भी दे दिया। चुन लिया तुमने उसे, सारा